अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर बेहतरीन किस्म की एडिटिंग करना चाहते हैं, आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, स्नैक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग वीडियोस बनाते हैं और आप लोग अपनी वीडियोस को किसी अच्छे वीडियो एडिटर के साथ आप लोग अपनी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग ऑल टाइम बेस्ट काइनमास्टर से किस तरह से आप लोग अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। काइनमास्टर वो बहुत एप्लीकेशन है जो कि पीसी के बाद मोबाइल के अंदर बेस्ट एप्लीकेशन है जिस पर आप लोग अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। पीसी के लिए तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में जिसे हम पावरफुल एडिटर कहते हैं वो यहाँ पर काइनमास्टर। काइनमास्टर के बाद पावर डायरेक्टर भी आता है, इनशॉट भी आता है, कैपकट भी आता है, लेकिन वो तमाम एप्लीकेशन इसके नीचे हैं। जो मेन और पावरफुल कह लें कि वीडियो एडिटर है वो काइनमास्टर है। तो काइनमास्टर के अंदर आप लोग अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम वो चीज़ें बताऊंगा जो कि काइनमास्टर के अंदर आप लोग वीडियोस एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट का हो जाए। अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का शौक है तो आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। हर किस्म की एडिटिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करके बता दूंगा। और इस वीडियो के बाद अगर आप लोग किसी और एप्लीकेशन पर वीडियोस एडिट करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि उसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाए तो कमेंट करके लाजमी बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उस एप्लीकेशन पर उसका ट्यूटोरियल लेकर आप लोगों के पास हाजिर हो जाऊंगा। तो वीडियो अगर पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, उसका यूज़र नेम है मिर्ज़ा के टैक, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले आप लोगों से एक और गुजारिश करता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस चैनल को लाजमी विजिट करें। अगर आप लोगों को वो चैनल पसंद आता है तो आप लोगों ने लाजमी उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट लाजमी करना है ताकि वो भी यूट्यूब पर थोड़ा बहुत ग्रो कर पाए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आप लोगों ने किस तरह से काइनमास्टर पर एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास ये काइनमास्टर का मोड एपीके है। अगर आप लोगों को मोड एपीके चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम आप लोगों आप इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं आप लोगों को मोड एपीके प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आप लोगों के पास बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों के पास वाटर मार्क शो नहीं होता, मेन चीज़ होती है वाटर मार्क जो कि आप लोग रिमूव कर सकते हैं। लिंक मैं इसलिए यहाँ पर दे सकता है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन पड़ती है, मोड एपीके का बताना यहाँ पर मना है, सख्ती से मना किया गया है, तो यहाँ पर हम इसलिए नहीं बता सकते। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं तो मैं आपको यकीनी तौर पर वहाँ पर उसका जो मोड एपीके का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यहाँ पर मैं सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने भी इसी तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि मैं इस मोबाइल के ऊपर भी एडिटिंग करता रहा हूँ पहले, और जो मेरा मोबाइल यहाँ पर जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर मैंने वीडियोस एडिट की हुई हैं, तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सेव हैं। आप लोगों ने क्या काम करना है, जब आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अगर तो आप लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग टिकटॉक के लिए वीडियोस एडिट करना चाहते हैं तो 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम की वीडियोस को एडिट करना है तो यहाँ पर 1:1 की जो रेशियो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली 16:9 के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन होगी। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर किसी भी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सैंपल के तौर पे मैंने एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सबसे पहले अगर आप लोगों की वीडियो का जो म्यूज़िक है वो कम है तो आप लोगों ने सिंपली वीडियो के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद म्यूज़िक और यहाँ पर ऑटो वॉल्यूम और यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो का जो म्यूज़िक है जो साउंड है वो आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप लोग उसका बैक वाला पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, राइट बैक दोनों जो पार्ट रिमूव करना चाहते हैं वो किस तरह से करना है, सिंपली वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप लोगों की वीडियो यहाँ पर देख लें कि पीछे वाला जो जितना भी पार्ट है अगर आप लोग उसको रिमूव करना चाहते हैं सिंपली ऊपर देखें कैंची वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नंबर 1 पे देख लें ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी बैक वाला पार्ट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग उस पार्ट को वापस लाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख लें एरो का ऑप्शन है अंडो, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, वो पार्ट आपका यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसके दरमियान एक और वीडियो अपनी ऐड कर सके, उसके लिए स्प्लिट ऐड प्लेहेड यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख लें यहाँ पर ये कट हो गया। कट होने के बाद आप लोग मीडिया के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी कोई भी एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लें
मैंने वो वीडियो यहाँ पर स्प्लिट करके वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर दिया है। वीडियो लंबी है इसलिए मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके जितना भी पार्ट आप लोगों ने स्प्लिट किया है उसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपली डिलीट पर क्लिक करना है तो आपका जितना भी पार्ट आप लोगों ने स्प्लिट किया होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इतना पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया। दोबारा कैंची पर क्लिक करके अगर आप लोग उसका राइट पार्ट यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं सिंपली ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी राइट वाला जो जितना भी सेक्शन आप लोगों रिमूव करना चाहते हैं वो ईजिली कर सकते हैं। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद अगर आप लोग अपनी वीडियो के अंदर इफेक्ट डालना चाहते हैं जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन होता है आपका नाम नीचे शो होता है वीडियो के नीचे शो होता है तो आप लोगों ने सिंपली इतना पार्ट आप लोगों ने क्रॉप करें जहाँ पर आप लोग कहेंगे अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है जिशांत जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो वो कैसे किस तरह से लगाना है सिंपली क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स आ रहे हैं गेट मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये प्ले स्टोर ओपन होगा। यहाँ पर भी आप लोग जितने भी एनिमेशन हैं वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड करने में यहाँ पर टाइम लगेगा सिंपली मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों के सामने एडिट करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर फ्रंट लाइन में मैं कुछ भी जिशान यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जिशान टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पर देख लें जिशान वो आ गए। वो इंट्रोडक्शन आप लोग जिस तरह से बनाना चाहते हैं शुरू वाला है, आप लोग इंट्रोडक्शन इस तरह से बना सकते हैं। बेहतरीन किस्म के टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग उनका बारी बारी यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको क्लिक करने के बाद आप लोग इसका जितना भी वॉल्यूम है उसकी जितना भी लेंथ है उसके साथ साथ आप लोग कंट्रास्ट इसके लाइटिंग कम ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए उस पार्ट पर क्लिक करना है। एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करके ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी ब्राइटनेस होगी वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके कंट्रास्ट को आप लोग कम ज़्यादा अपने बैकग्राउंड के मुताबिक यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैचुरेशन में यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद टेम्परेचर है, तकरीबन यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं कि आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ईजीली आप लोग उसको कन्वर्ट करके सही से देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर आप लोग अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्पीड के ऊपर क्लिक करके अगर आप लोगों ने कुछ हिस्सा म्यूट किया हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो यहाँ से स्पीड के अंदर चली जाए सिंपली मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सिंपली इतना पार्ट मैं यहाँ पर स्प्लिट एड प्ले हेड कर लेता हूँ। इतने पार्ट के ऊपर मैं क्लिक करके स्पीड के ऊपर क्लिक करके कितनी स्पीड आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं 1.5 2 की स्पीड रखेंगे तो उतना साइज़ उसका कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये इनकोड होगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लें और जितने हिस्से को हमने यहाँ पर स्प्लिट किया था उस हिस्सा देख लें कि तेज़ी से यहाँ पर वो स्प्लिट हो गया। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद ये होता है कि रोटेट और मिरर के अंदर ये चीज़ होती है कि आप लोग अपनी वीडियो को जैसे ये फ्रंट साइड से देख रहे हैं आपकी वो साइड इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इस तरह से बैठे हैं तो वो साइड दूसरी तरफ से चली जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप लोग उसको छोड़ दें। उसके बाद ये होता है कि कलर्स फिल्टर्स, आप लोग अपने फोटोज़ के ऊपर कलर्स फिल्टर्स अपनी जो वीडियो लगा रहे हैं उसका जो कलर्स हैं वो आप लोग इसलिए यहाँ पर देख लें कि वार्म है, बहुत सारे कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग बारी बारी उनको ट्राई करके देख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर नन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर नीचे दी गई है इक्विलिब्रियम, ये होता है कि अगर आप लोग अपनी आपकी वॉइस है वॉइस में थोड़ी बहुत खराबी है तो आप लोग यहाँ पर बास बूस्टर ये दिया गया है बास रिड्यूसर इसको क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियो का जो म्यूज़िक है जो वॉइस है बोलने वाली उसको आप लोग रिड्यूस करके सही से कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम इनवेल्पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो का जितना भी वॉल्यूम है वो कहीं से ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए तो आप लोग इस चीज़ का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ किस तरह से करना है, जहाँ से आप लोगों ने अपनी वीडियो का वॉल्यूम अप करना है या डाउन करना है आप लोगों ने सिंपली वहाँ पर देख लें प्लस इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि आपका वॉल्यूम जितना जहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं उस पर जाकर आप लोगों को दोबारा टैप लगा देना है। दो जगह पर टैप लग गया, अब आप लोग यहाँ पर देख लेगा अपना वॉल्यूम कम करेंगे तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पर 100% कर देता हूँ। तो इतना काम आप लोगों ने कर लिया, बाकी आप लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं सिंपली अंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख लें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से आप लोग अपने वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वॉइस चेंजर मिल जाता है, आप लोग अपनी वॉल्यूम की जो क्वालिटी है वॉइस की क्वालिटी है वो यहाँ पर तकरीबन बच्चों वाली भी है गर्ल्स वाली भी है एलियन वाली भी है वो आप लोग अगर कार्टून टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब लास्ट में ये चीज़ है यहाँ पर आप लोग अगर विग्नेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी साइड वाला जितना भी पोर्शन होगा वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा जो कि एक अच्छी सी लुक देता है। ये हिसाब ये चीज़ वो लोग यूज़ करें जो कि एडिटिंग करते हैं या जो पोएट्री करते हैं शेर व शायरी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में ये चीज़ है एक्सट्रैक्ट साउंड एक्सट्रैक्ट ऑडियो, अगर आप लोगों के पास वीडियो है
आप लोग वीडियो को रिमूव करके सिंपली उसका साउंड यूज़ करना चाहते हैं, सिंपली आपके पास एक्सपर्ट ऑडियो करेंगे उसका साउंड आ जाएगा। साउंड को आप लोग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसका साउंड ऑडियो वॉल्यूम पे करके आप लोग उसको ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ट्रिम करके आप लोग अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग लूप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितना वॉल्यूम आप लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको लूप पे लगाएंगे उतना ही वॉल्यूम बार बार यहाँ पर चलता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर अभी डिलीट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर ये कि आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो लगा लिया, अब आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए, या बैकग्राउंड के ऊपर कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई आवाज़ लगाना चाहते हैं वो किस तरह से सेट होगी, उसके लिए ऑडियो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी आपके पास साउंड होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर देख लें कि आपका साउंड आ गया। अब जितनी आपकी वीडियो है उतना ही आप लोगों ने साउंड सेलेक्ट करना, उसके लिए साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद लूप लूप टू एंड, लो जी आपका काम यहाँ पर हो गया। जितनी आपकी वीडियो है उतना ही साउंड चलेगा, उससे ज़्यादा आपका साउंड यहाँ पर नहीं चलेगा। बैकग्राउंड साउंड भी सिलेक्ट हो गया, बैकग्राउंड साउंड के ऊपर क्लिक करके आप लोग बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर कम कर सकते हैं। 5-7 मिनट जितना म्यूज़िक आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट, अगर किसी बंदे ने हैंड फ्री लगाई है उसको आप लोग चाहते हैं कि लेफ्ट में वॉस आए राइट में ना आए, तो आप लोग राइट को यहाँ पर लेफ्ट पे कर देंगे तो वो लेफ्ट वाली वॉस रहेगी। अगर लेफ्ट में नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सिंपली राइट पे करेंगे तो वो वॉस ऑटोमेटिकली राइट वाले फोल्डर में चली जाएगी, राइट हो जाएगी। इतना काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप खुद से उस पर वॉइस ओवर करना चाहते हैं, जो कि गेमर हजरात होते हैं वो इजीली किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड के ऊपर आपके पास ऑप्शन रिकॉर्ड पर आप लोगों ने टैप करके यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये मसला आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जितनी भी वॉइस है यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहेगी। उसके बाद स्टॉप पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। अभी मेरे पास सेव इसलिए हुई क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, इस वजह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। इस तरह से आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है। अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो लगा रहे हैं, जैसे मैं अपनी वीडियो के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं वो आप लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, उसके लिए सिंपली लेआउट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद वीडियो लगानी है तो वीडियो लगा सकते हैं, फोटो लगानी है तो आप लोग फोटो ऐड कर सकते हैं। अभी कोई रैंडम सी फोटो मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप लोगों ने ऐड करनी है। फोटो हमारी यहाँ पर आ गई है, इसको साइड पर कर लें, जितना साइज रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके जैसे वो पिक्चर फर्स्ट टाइम आपको शो होगी किस तरह से, ये देखें इन हो रही है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आउट में वीडियो जब आपकी पिक्चर ख़त्म हो वो किस तरह से शो, आउट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर इसको स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद ओवरऑल मतलब पूरी स्क्रीन पर आपको वीडियो जो पिक्चर है वो किस तरह से शो होती होती रहे, तो यहाँ पर देख लें कि ये ब्लिंक है, पल्स है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई हैं, बाकी आप लोग इसको देखें यहाँ पर एक यहाँ पर अल्फ़ा के ऊपर क्रॉपिंग वाला सेक्शन, इस पर आप लोग क्लिक करते हैं। क्रॉप के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी जो पिक्चर है उसको छोटा बड़ा जितना करना चाहें वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई किसी भी किस्म की कोई स्क्रीन यूज़ की है तो आप लोग उसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करें, उसके लिए सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्रोमा की के ऊपर टैप करके अनेबल करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ये तभी आप लोगों ने करना है जब आपके पास यहाँ पर कोई भी स्क्रीन ब्लू स्क्रीन अवेलेबल हो, तो आप लोग उस पर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके दोबारा कर लें। इतना आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर करना है। अब आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसका जो साइज़ है वो जो अपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो यहाँ पर देख लें, इस पर क्लिक करके आप लोग उसके अपेसिटी को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कलर फिल्टर्स, एडजस्टमेंट और ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का ये होता है कि आप लोग उसको स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल ओवरले, अगर 2-3 पिक्चर शो कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये इसको मैं यहाँ पर अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आपकी जो वीडियो उसके अंदर टेक्स्ट भी हैं, तो टेक्स्ट पर आप लोगों ने सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर जाना है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख लें, ओके पे क्लिक करना है, दोबारा आप लोगों ने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास तमाम फॉन्ट्स आ जाएंगे, उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, वो तमाम के तमाम फॉन्ट्स आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसके ऊपर बैकग्राउंड यहाँ पर फुल पट्टी में लगा सकते हैं, जितना बैकग्राउंड आप लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें सिंपली कलर पर क्लिक करके आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करें, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आएँ, उसके बाद यहाँ पर देख लें टेक्स्ट ऑप्शन, आउटलाइन, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इनको यूज़ करना चाहें टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट फॉन्टिंग के अंदर, तो उनको यूज़ कर सकते हैं।
और मेन चीज़ ये भी है कि आप लोग इसको यहाँ पर कट करो भी कर सकते हैं, कैंची पर क्लिक करके जितना आप लोग साइज़ का रखना चाहते हैं वो रखने के बाद यहाँ पर आप लोग उसको ट्रिम टू राइट और स्प्लिट भी कर सकते हैं, ट्रिम टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब एक मेन चीज़ और भी है कि इन एनिमेशन आउट एनिमेशन जैसे मैंने आपको पिक्चर्स के अंदर ऐड करके दिखाया था, इसी तरह से आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा लेयर पर क्लिक करके आप लोग इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर किसी भी आपने कोई चीज़ दिखाई है उसको आप लोग ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग सिंपली ब्लर भी कर सकते हैं। देखिए इतना पार्ट हमारे पास आ गया, जितनी वीडियो को आप लोग ब्लर करना चाहते हैं यहाँ पर मैं इतना सेक्शन ब्लर करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक किया, ब्लर्स लेंथ आप लोग ज़्यादा कम ज़्यादा यहाँ पर देख लें कि मैंने इसको ज़्यादा कर दिया तो यहाँ टोटली ब्लर हो गया। ओके पे क्लिक करना है, जितने लेंथ आप लोग रखना चाहते हैं रखने के बाद आप लोग उसको यहाँ पर ट्रिम भी कर सकते हैं। उसके बाद इन एनिमेशन आउट एनिमेशन भी यहाँ पर दिए गए, उनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया सिंपली। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लेयर पर क्लिक करके हैंड राइटिंग, अगर आप लोग अपनी किसी भी वीडियो को आप लोग वीडियो बनाते हैं उसके अंदर आप लोग कोई फोल्डर दिखाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए बॉक्स मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर एरो लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ सिंपली, यहाँ पर ये एरो दिया गया, एरो पे क्लिक करके एरो लगा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख लें ये गोल बॉक्स है, ये बॉक्स में लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर देख लें ये बिल्कुल रेड कर देगा, जो भी कलर लेना चाहें यहाँ पर आप लोग कलर चेंज करके उसको आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देख लें उस तरह का ये बॉक्स बन जाएगा। तो आप लोगों को ये भी चीज़ समझ आएगा कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लगानी है। उसके बाद आखिर में एक चीज़ यहाँ पर बचती है कि अगर आप लोग सबसे नीचे हैं तो सबसे नीचे अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आखिर में ले जाएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर देख लें कि इस पर क्लिक करने के बाद मूव टू प्रीवियस पॉइंट, जहाँ पर आप लोगों ने कट किया होगा वहाँ पर ले जाएगा। अगर दोबारा इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देखें मूव टू बिगनिंग, तो ये आपको बिल्कुल शुरू में ले आएगा। तो इस तरह से अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की 15 मिनट की है तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जिस पॉइंट पर जाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पर देखें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप लोग इतने स्क्रीनशॉट अगर अपनी वीडियो के अंदर दोबारा ऐड करना चाहते हैं कैप्चर एंड सेव, कैप्चर एंड ऐड क्लिप पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो लेयर के अंदर है आपका जितना भी स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा वो यहाँ पर उसको ऐड कर देगा। तो इस तरह से आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कितनी लेंथी है, कितना म्यूज़िक यहाँ पर यूज़ किया है, तो आप लोग उसको स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करके दोबारा से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है, वीडियो एडिट करना है, क्रॉप करना है, ये तमाम सारी चीज़ें करने के बाद सिंपली ऊपर देखें एरो का बटन है एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने जितनी क्वालिटी देख लें कि फुल एच डी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऊपर आप लोगों ने जो फ्रेम रेट है वो आप सॉरी अगर आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप लोगों ने 30 या 30 से अबाव भी फ्रेम रेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बिट रेट जितनी आपकी मोबाइल की MB है उसके हिसाब से आप लोगों ने 8 से 9 से ज़्यादा ही बिट रेट यहाँ पर रखना है। अगर तो आप लोग फुल HD करेंगे तो यहाँ पर 1080p आप लोगों ने तकरीबन 10 से ज़्यादा रखना है। 720p करेंगे तो उस पर आप लोगों ने यहाँ पर 4 से ज़्यादा 5-6 भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, उसके बाद आप लोग उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने अपनी तरफ से जितनी हो सकता था आप लोगों को सही से समझा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती तो कोई चीज़ रहती है कमेंट करके बताएँ तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी प्रॉपर गाइड कर दूँगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।